अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक विटामिन सी सीरम बताने वाली हूँ जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी और बहुत ही इजी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हमें 2 माल्टे चाहिए होंगे और हमने इसके छिलके का सिर्फ ऑरेंज पार्ट अलग कर लेना है। इसको इस तरह से बारीक बारीक ग्राइंड करके और सिर्फ ऑरेंज पार्ट लेना है, इसके छिलके का वाइट पार्ट नहीं लेना। ऑरेंज पार्ट को अलग करने के बाद हमने किसी भी पतले कपड़े में इसको छान लेना है और इसका पानी अलग कर लेना है। इस तरह से पानी को हमने अलग कर लेना है। माल्टे के छिलके में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर होंगे और रंगत भी इससे साफ़ हो जाती है। और इसके अलावा अगर चेहरे पर फाइन लाइंस हैं और डार्क सर्कल हैं तो वो भी इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से पानी को अलग करने के बाद हमने इस पे 2 टेबलस्पून आलमंड ऑयल डालना है। आलमंड ऑयल डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद 30 सेकंड के लिए हमने इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लेना है। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको बॉइलिंग वाटर के ऊपर भी गरम कर सकते हैं, डायरेक्ट चूल्हे पर गरम नहीं करना। गरम करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून हम एलोवेरा जेल डालेंगे। एलोवेरा जेल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1/2 टेबलस्पून ग्लिसरीन डालेंगे। ग्लिसरीन भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और इससे चेहरे पर शाइन आता है। अब हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है और 1/2 टेबलस्पून इसमें हम विटामिन ई कैप्सूल डालेंगे। विटामिन ई ऑयल डाल सकते हैं इसमें या फिर विटामिन ई कैप्सूल भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे किसी भी बोतल में डालकर आप इसमें इसे फ्रिज में सेव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। हमने इसको नाइट टाइम यूज़ करना है, रात को सोने से पहले लगाना है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने चेहरे को किसी भी अच्छे साबुन से या फेस वॉश से धो लेना है। अच्छे से चेहरे को साफ़ करने के बाद ड्राई करना है और उसके बाद हमने यह सीरम अप्लाई करना है अपने चेहरे पर और गर्दन पर। यह सीरम अप्लाई करके हमने सो जाना है, ओवरनाइट इसे लगा रहने देना है और सुबह किसी भी अच्छे फेस वॉश से या फिर ठंडे पानी से इस चेहरे को धो लेना है। उम्मीद है कि आपको ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।